अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। तो गाइस अभी ऐसा है, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर किसी काम से और वहाँ पर ही हम अपना रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो घर जब हम जाएंगे ना तो मैं आपको पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, तो रात में ना आपको बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाने वाला हूँ। तो अगर वो नज़ारे देखना चाहते हो ना तो हमारे साथ बने रहो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना, कहीं पे भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे। चलो आपको लेके चलते हैं। अब हम आ चुके हैं घर और अब हम आपको लेके चलते हैं बाहर जाकिर नगर की गलियों में और आपको दिखा दें कितनी चकाचौंध रौनक हो रखी है वहाँ पे। तो भाई इस वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और अगर वाकई में मजे करने आओ लेके चलते हैं आपको जाकिर नगर के लिए। चलो तो गाइस वेलकम हो गया आप सबका एक बार फिर दोबारा से जाकिर नगर की रौनक में। शहर की रौनक देखो आपके सामने कितनी खूबसूरत है, मीठी मीठी चीज़ें, हटाओ हटाओ हटाओ। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस और अब हम आपको दिखाएंगे जाकिर नगर की खूबसूरती। एक से एक पकवान, एक से एक खाना, नहाना, सारी चीज़ें। चलो तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपनी चिकन तंदूरी और लॉलीपॉप और कबाब से। तो दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये है तवा कीमा और सच बताऊं खाने में एक नंबर। और अब ये हमारे यहाँ पर आ जाता है चिकन चंगेज़ी, जो कि एक सभी को पता है कि कितनी मज़ेदार डिश होती है। तो दोस्तों मुझे ना अब यहाँ पे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी थी इतना अच्छा अच्छा खाना देख के, तो मैं तो फिलहाल अपने लिए बिरयानी पैक करवा रहा हूँ और अभी लेके चलते हैं आपको। यार वो अभी कीमा दिखाया था ना वही पैक करवाऊँगा, वही बहुत अच्छा है। तो अब वहाँ चलते हैं गाइस, आ चुके हैं हम कीमे वाले के पास और आओ अब जल्दी से अपने लिए कीमा ही पैक करवाते हैं। और देखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है यार ये, तो खाने में कितना टेम्पटिंग होगा। चलो जल्दी से खाते हैं। दोस्तों ये देख रहे हो मेरे सामने दुकान, ये है हाजी इमरान शीरमाल वाले। तो इनके पास ना बहुत तरह की वैरायटी के शीरमाल होते हैं, बहुत एक से एक होते हैं इनके पास। और प्राइस की बात करूँ अगर 100 रुपये 150 रुपये का एक शीरमाल होता है, लेकिन भाई खाने में तोड़, मतलब उसका तोड़ ही नहीं है, बहुत शानदार, मज़ा आ जाता है खा के। यार दोस्तों रौनक देखो क्या बेहतरीन रौनक हो रही है ना, यही तो है चीज़ें जिससे दिल लगता है थोड़ा। और रमज़ान में तो यार मज़ा आता है, एक ये खूबसूरती ये रौनक देख के बाबरकत महीना जो है और बाबरकत हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ के बहुत 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 मशहूर पहलवान जी लस्सी वाले, जिनकी लस्सी तो लाजवाब होती है। चलो अब आपको लेके चलते हैं घर। क्या है भाई ये लो मल्लू, मल्लू मल्लू है, मल्लू है। तो भाई यहाँ देखो ये पापा के सर में तेल लग रहा है और रूहान ने हमला बोल रखा है, चूहे हर जगह हमला बोल देता है। यार तेल की बढ़िया मालिश होते हुए और जाइए परेशान करते हुए, पूरे दिन रात ऐसे परेशान करता है दादा को। बेटा पालो पे टाइम, पालो दोस्तों यहाँ पे खाना निकल रहा है रूहान के लिए, क्योंकि भाई रूहान का रोजा तो है नहीं, हमारा रोजा है, तो रूहान के लिए तो खाना बनता है ना। तो चलो आओ रूहान को भी खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह सहरी करने के बाद अब बारी आ गई इफ्तार की, तो इफ्तार के लिए कुछ फ्रूट्स लेने थे तो वो लेते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे गुजरने के बाद जब मैंने देखा तो मेरी नज़र पड़ी इतनी प्यारी प्यारी ये पकौड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, मिर्च की, पता नहीं किस किस चीज़ की, कीमे की, सब चीज़ों की। तो यार लेनी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी पैक करवाई ली, मैंने कोई बात नहीं खा के देखते हैं कैसा है। इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान तूने।
ने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। दोस्तों देख रहे हो ब्लैक चना, अफ्तारी का सारा सामान आपको यहाँ पे रोड पर ही मिल जाएगा। तो भाई ये आ चुके हैं हमारे बिल्कुल रसीले दही बड़े, तो हमें तो ये लेने ही थे, तो चलो पैक कराते हैं और लेके चलते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसी जगह पे रहने के फायदे बहुत हैं और साथ साथ नुकसान भी हैं। तो आप सोच रहे हो कि यार नुकसान क्या है, तो फायदे की बात है। तो यार नुकसान है, नुकसान पता ही क्या है, नुकसान ये है कि अगर आपको कभी डॉक्टर ने मना करा हो कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो यहाँ पे क्या है ना, आपको हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो ना, कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज की बात करी जाए तो भाई जितने लोग जब आने ना तब आ जाओ, जो चाहोगे ना वो मिल जाएगा, मीठा वीठा सा। तो चलो अब चलते हैं घर। गाइस देखो यार अभी तो 6:15 बजे है। आप बेटा क्या हो गया? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, सलाम करो। यहाँ दो किडनैपर रान को ले जाने। रान भाई, भाई करो भाई, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। बाय यू ही लव तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा पूरा खाना लगना शुरू हो गया है क्योंकि टाइम होने वाला है, तो आओ चलो हम भी बैठते हैं। तो भाई ये देख रहे हो, ये है हमारा ओलू, सोजा आ गए ओलू। इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। नूरे रमजान, नूरे रमजान। तो गाइस जल्दी जाओ, चल रहे नमाज पढ़ने, काफी लेट हो गए। चलो तो दोस्तों नमाज भी मैंने पढ़ ली है और मैं इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर